आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शी जिनपिंग की। शी जिनपिंग की बात करें, वैसे मैं इनको जाय जिनपिंग बोलता हूं, पता नहीं क्यों। शी जिनपिंग की बात करें तो मौजूदा राष्ट्रपति हैं ये चाइना के, और चाइना का जो एग्रेसिव स्टांस है वो इन्हीं की बदौलत है। शी जिनपिंग को एक तरीके से आप ब्लेंड कह सकते हैं, मिक्सचर कह सकते हैं, किसका, माओ ज़ेडोंग और डेंग ज़ियाओपिंग का। ये दोनों के मिक्सचर है, लेकिन इनमें माओ की क्वालिटी ज्यादा है क्योंकि इन्होंने सेंसरशिप लगा रखी है। और जो इस समय चाइना का स्टांस है बहुत ही ब्रूटल, पूरा एक्सपैंड करना चाहता है, हर एक चीज को हथियाना चाहता है, वो इन्हीं की बदौलत है। तो इनकी बायोग्राफी देखेंगे, कैसे ये इतने बड़े पद पे आए, देखेंगे एक एक चीज पे नजर डालेंगे, इंटरेस्टिंग कहानी है और आपको बहुत कुछ पता चलेगा। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर चेक की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और प्रिंट कोर्सेस हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो देख लीजिए दोस्तों, ये छोटे की तस्वीर है, कितने क्यूट लग रहे हैं ये, गोल मटोल, मन कर रहा है इनके गाली खींचते रहें। ये इनके छोटे भाई हैं, ये और क्यूट। अच्छा, चाइनीज बच्चे होते बहुत क्यूट है, बहुत ही गोल मटोल होते हैं, कुछ भी कहिए। तो देख सकते हैं कितने फूले फूले गाल और गोरे चिट्टे हैं एकदम। लेकिन भैया एक चीज तो है, किसी को भी नहीं पता था कि ये जाके राष्ट्रपति बनेंगे और फिर चाइना को ऐसे मुकाम पे खड़ा कर देंगे। एक सुपर पावर इस समय कहलाता है चाइना, बिल्कुल बहुत ही ताकतवर देश होता जा रहा है, लेकिन उसका जो स्टांस है वो बहुत ही गलत है। जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ रहा है, छोटे देशों को दबाता जा रहा है, उनको खरीदता जा रहा है, डेट ट्रैप में फंसाता जा रहा है, वो बहुत ही गलत है। भैया भारत सामने डट के खड़ा हुआ है और इधर अमेरिका ने तो चाइना की इस समय बैंड बजा रखी है, ट्रेड वॉर शुरू है वहां पे, ठीक है। तो ये सारी, ये इनके पिताजी हैं, ठीक है, ये इनके पिताजी हैं। आपको बता दूं कि शी जिनपिंग गरीब परिवार से नहीं आते, बहुत ही समृद्ध परिवार से आते हैं। शी जिनपिंग की बात करें तो 15 जून 1953 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब 1949 में चाइना बना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, माओ ने अनाउंस कर दिया भैया, तिएनएनमेन स्क्वायर से बीजिंग के लाल झंडा लहरा दिया इन्होंने, ठीक है, कम्युनिस्ट का। तो चाइना 1949 में बना, 4 साल बाद शी जिनपिंग का जन्म होता है। इनके पिताजी जिनका नाम है शी जोंगजुन, ये वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी के अच्छे, काफी बड़े लीडर थे, ठीक है, और बहुत सारी इनको पोस्ट मिली, ठीक है, काफी ज्यादा और काफी बड़ी बड़ी पोस्ट मिली, वाइस प्रीमियर, वाइस चेयरमैन। तो शी जिनपिंग का जो जन्म था वो एक समृद्ध परिवार में हुआ था, एक पावरफुल फैमिली में हुआ था, ठीक है। तो परिवारवाद हर जगह चलता है, ठीक है ना, ये सिर्फ भारत में नहीं है बल्कि हर जगह आप देखेंगे परिवारवाद, चाइना में भी परिवारवाद है, ठीक है। माओ ज़ेडोंग को छोड़ दीजिए, डेंग ज़ियाओपिंग को छोड़ दीजिए, लेकिन उसके बाद जितने भी लीडर्स आए हैं ना, या जो भी कम्युनिस्ट पार्टी में लीडर्स हैं, वो सब उनके पिताजी या उनकी फैमिली कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत बड़ी पोस्ट पे रह चुके हैं। तो परिवारवाद यहां पे भी है। तो शी जोंगुन के बेटे हैं, वैसे आपको बता दूं कि शी जोंगुन ने भले ही माओ का उस समय सपोर्ट किया, लेकिन अब आपको पता ही है कि 1963 में माओ को हटा दिया गया। माओ ज़ेडोंग की बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप जरूर देखेंगे। अब जब माओ ज़ेडोंग को हटाया तो कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया भैया, चाइना का कल्चरल रेवोल्यूशन। 1 घंटे का मेरा पूरा सेशन है, आप जरूर देख लीजिएगा, चाइना का पूरा इतिहास मैंने कवर किया है। तो कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हो गया। अब माओ ने यहां पे क्या कहना शुरू कर दिया कि ये जो नई सरकार है, मुझे हटा दिया कोई बात नहीं, लेकिन ये जो नई सरकार बनी है, मतलब कम्युनिस्टी गवर्नमेंट थी, लेकिन जो नए लीडर्स आए हैं ये कैपिटलिस्ट हैं, ये तुम्हारी सभ्यता को मिटा देंगे, तुमको खत्म कर देंगे। तो समझ लीजिए कि चाइना की गलियों में खून खराबा होने लगा, हर किसी को पकड़ पकड़ के मारा जाने लगा। शी जिनपिंग के पिताजी को भी पकड़ के मारा और जेल में डाल दिया, क्योंकि डेंग ज़ियाओपिंग का ये साथ दे रहे थे, कैपिटलिस्ट बातें कर रहे थे। हालांकि ऐसा था नहीं, ज्यादातर लीडर्स ऐसे नहीं थे, लेकिन माओ ज़ेडोंग ने ऐसा जहर भर दिया था कि यूनिवर्सिटीज से निकल के जो लड़के थे वो बोल रहे थे कि चाइना का जो कल्चर है उसको रिस्टोर करेंगे हम। और ये 10 सालों तक चलता है दोस्तों, ये खूनी खेल, बहुत लोगों को मारा गया, डेंग ज़ियाओपिंग भी इसमें निपट ही गए थे, गलियों में दौड़ा दौड़ा के मारा था उनको। तो यहां पे शी जिनपिंग के पिताजी को जेल में डाल दिया 1968 में। 1972 तक शी जिनपिंग ने अपने पिताजी को नहीं देखा, इनकी माताजी को पकड़ा और गलियों में परेड करवाया, ठीक है ना, बकायदा परेड करवाया कि तुम तो देश की दुश्मन हो। शी जिनपिंग को भी मार ही दिया जाता, लेकिन किसी तरीके से वो बच के निकल गए, पहले गांव गए और उसके बाद गुफाओं में कुछ टाइम तक अंडरग्राउंड रहे थे, गुफाओं में रहे थे ताकि पता ना चल जाए, क्योंकि उस समय जो भी कम्युनिस्ट पार्टी का था बड़े बड़े लीडर्स को मार दिया गया था, बहुत कम लीडर्स बचे थे उस समय, ठीक है। तो माओ को वापस लाया गया और उसके बाद फिर बहुत टाइम बाद ये कल्चरल रेवोल्यूशन फाइनली खत्म हुआ। आपको बता दूं शी जिनपिंग की एक छोटी सी बहन थी, शी हेपिंग,
उसको इस कल्चरल रेवोल्यूशन में मार दिया गया था, ठीक है। स्टूडेंट मिलिटेंट्स आए, शी जिनपिंग के पिताजी के घर पे घुसे, मतलब शी जिनपिंग के घर में घुसे, उनकी बहन को लिया, किडनैप किया, इनकी माताजी कुछ नहीं कर पाई, मार दिया, और उसके बाद फिर इनकी माताजी को भी गलियों में परेड कराया। तो ऐसा था कुछ। लेकिन जब चीजें नॉर्मल हुई, डेन ज़ियाओपिंग आए 1977 में, डेन ज़ियाओपिंग ने लीडरशिप ली, तब शी जिनपिंग को मौका मिला कि अब कुछ करने की बारी है, अब मेरी भी, ठीक है ना। तो पहले इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद कम्युनिस्ट यूथ लीग में इन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। वैसे आपको बता दूं कि कम्युनिस्ट यूथ लीग जो कि एक सीढ़ी है, अगर आपको कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करनी है, यूथ पार्टी आप किसी भी ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको सेंट्रल पॉलिटिक्स में आना है या सेंट्रल पार्टी में आना है, जो मतलब मेन पार्टी है, हर देश की एक मेन पार्टी होती है, ठीक है, तीन चार बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, तो अगर आपको उनमें आना है तो उनका यूथ विंग ज्वाइन कर लीजिए, ये सीधी एंट्री, और अगर आप चमक गए तो कमाल हो गया। तो शी जिनपिंग ने बहुत कोशिश की, 7 बार उनको रिजेक्ट किया गया, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली उनको कम्युनिस्ट यूथ लीग में जगह मिली। जिद्दी बहुत है शी जिनपिंग, आपको बताना चाहता हूं, एक बार किसी के पीछे पड़ गए तो पड़ गए। वैसे इनके दो चेहरे बताए जाते हैं, जो बाहरी चेहरा है इनका, ठीक है, जो पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं कि बड़े शांत है, बड़े सभ्य हैं, बहुत ही अच्छे से बात करेंगे, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, बहुत ही एक सिंसियरिटी झलकती है, लेकिन जो दूसरा चेहरा है वो बहुत ही ब्रूटल है। पूरी पावर को कंसोलिडेट कर दिया है इन्होंने, एब्सोल्यूट पावर करप्ट, इस तरीके से इन्होंने पूरी पावर अपने हाथ में, चाहे वो मिलिट्री पावर हो, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो, सब कुछ अपने हाथ में, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, सब अपने हाथ में कर ली है, ठीक है ना। तो ये दो चेहरे हैं इनके, और इसी की वजह से ये जो दूसरा वाला चेहरा है ये इन्होंने बाद में दिखाया जब ये प्रेसिडेंट बन गए, क्योंकि अभी तो इनको सबसे ऊपर पहुंचना था, तो ऊपर पहुंचने के लिए साम दाम दंड भेद जो चीज करनी है वो करके रहेंगे। पहले तो यूथ लीग ने इनको 7 बार रिजेक्ट किया, उसके बाद जब कम्युनिस्ट पार्टी में 1973 में इन्होंने अप्लाई किया, 10 बार रिजेक्ट हुए, 10वें अटेम्प्ट में इनको फाइनली एक्सेप्ट किया गया कम्युनिस्ट पार्टी में। तो इतना ज्यादा स्ट्रगल किया है। उसके बाद दोस्तों पढ़ाई पूरी करनी थी, केमिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की, और केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इनको प्रोविंसेस का कार्यभार दिया गया, ठीक है। ये बता दूं कि जो जेंगडिंग कंट्री है उसके सेक्रेटरी बनाए गए, डेप्यूटी पार्टी सेक्रेटरी, ठीक है, वहां पे भी मिनिस्टर्स नहीं, सेक्रेटरी होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो डेप्यूटी पार्टी सेक्रेटरी बनाए गए, पहले इनको प्रोविंसेस का कार्यभार दिया गया, ठीक है। तो चार इनिशियली इनको 4 प्रोविंसेस संभालने को दी गई। अब वहां पे इनका काम जबरदस्त था, ठीक है, करप्शन के खिलाफ शी जिनपिंग का बहुत ही तगड़ा स्टांस आई, बकायदा उन्होंने पूरी करप्शन के खिलाफ एक कैंपेन चला दी थी जो कि बहुत फेमस हुई थी। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1983 में इसी काउंटी के जेंगडिंग के ये सेक्रेटरी बनाए गए, ये प्रोविंस है, और यहां के ये टॉप ऑफिशियल बन गए। तो आप देख सकते हैं अब इनका जो डिप्लोमेसी थी, बात करने की कला और संभालने की कला, ये कमाल की थी, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, हर किसी को साथ में लेके चलते थे, लेकिन दूसरा चेहरा भी फट से दिखा देते थे अगर इनको खतरा महसूस होता था, ठीक है। अब उसके बाद जैसा कि वहां के लीडर्स को कंपलसरी है मार्क्सिस्ट थ्योरी और माओ की थ्योरी, तो आपको पढ़नी ही पढ़नी ही पढ़नी है। तो भैया आइडियोलॉजिकल एजुकेशन उन्होंने सिंघुआ यूनिवर्सिटी से ली, और उसके बाद वहां से ग्रेजुएट हुए डॉक्टरेट इन लॉ एंड आइडियोलॉजी 2002, ठीक है। लेकिन 1999 में जो शी जिनपिंग का स्टांस है, ठीक है, जो इनके पोर्टफोलियोज है वो और ज्यादा स्ट्रांग होते गए, इनको वाइस गवर्नर बना दिया गया फुजियान का। जैसा कि मैंने बताया इनको 4 प्रोविंस दिए गए थे, फुजियान का वाइस गवर्नर बना दिया गया, और फिर फुजियान पे सबसे बड़ी पोस्ट इनको गवर्नर की मिल गई, ठीक है ना। फिर 2002 में इन्होंने फुजियान को छोड़ दिया। अब इन्होंने बोला 2000 के बाद बहुत हो गया, इस समय हु जिनताओ आ गए थे, हु जिनताओ जो थे वो प्रेसिडेंट हो गए थे, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, वहां पे प्राइम मिनिस्टर को प्रीमियर बोला जाता है वैसे कोई खास, क्योंकि अगर हम बात करते हैं चाइना की तो प्राइम मिनिस्टर की कोई खास वहां पे वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि अब शी जिनपिंग ने बोला बहुत प्रोविंस प्रोविंस खेल लिया, अब मुझे सेंट्रल पार्टी में आना है, अब तो मुझे पूरा का पूरा चाइना चाहिए, अब मुझे छोटे छोटे हिस्से नहीं चाहिए। अब उसके बाद 2002 के बाद सेंट्रल कमिटी, 16th सेंट्रल कमिटी के ये मेंबर चुने गए, क्योंकि इनका काम बहुत बढ़िया था, इन्होंने प्रोविंसेस में बहुत ही बढ़िया काम किया, ठीक है, करप्शन जो भी हो रहा था उसको टेक डाउन किया, फिर इनके रिलेशन बहुत अच्छे थे, बड़े बड़े लोगों से इनके रिलेशन थे, तो उसका इनको, तो उसके लिए इनको अवॉर्ड किया गया। और उसके बाद जो रिवॉर्ड था कि आओ सेंट्रल कमिटी में आओ और अपनी अब तुम छाप दिखाओ, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। लेकिन अब ये गलती भी कह सकते हैं
और अच्छाई भी कह सकते हैं, अब आपको जो समझना हो समझिए। जो लोग शी जिनपिंग से नफरत करते हैं वो कहे गलती, और जो हालांकि वैसे भारत में तो शी जिनपिंग को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि जब ये पार्टी में चुने गए, जब ये सेंट्रल कमिटी में चुने गए, ठीक है, पॉलिट ब्यूरो बोला जाता है, पॉलिट ब्यूरो के सेंट्रल कमिटी में चुने गए, तो इन्होंने टॉप पोजीशन पे एम करना शुरू कर दिया, ठीक है। हम यहां पे देखते हैं कि 2007 आते आते, ठीक है, इनको इन पार्टी में भी इनको बहुत बड़े पोर्टफोलियोज दिए गए, और उसके बाद जब 2007 का 17वां पार्टी कांग्रेस सेशन होता है वहां पे इनको कोर कमिटी में जगह मिल गई, ठीक है। अब उसके बाद जो रास्ता था वो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था। 2008 में जब आपको पार्टी में इतनी बड़ी पोजीशन दे दी गई, तो 2008 में इनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। बस एक स्टेप दूर थे, सिर्फ एक स्टेप दूर थे, और तब सब लोग बोलने लगे थे कि हु जिनताओ, दो टाइम से प्रेसिडेंट थे, दो टर्म उन्होंने कंप्लीट कर लिए थे, मतलब कंप्लीट क्या, अभी तो पहला टर्म किया था, लेकिन 2013 में हु जिनताओ गए। अब हु जिनताओ के बाद आएगा कौन, तो शी जिनपिंग का नाम सामने आया। शी जिनपिंग का नाम इसलिए भी सामने आया क्योंकि पढ़े लिखे नेता थे, ठीक है, काफी इंटेलेक्चुअल थे, समझदार थे, सेंसेबल थे, तो ज्यादा लोगों ने अपोज नहीं किया, ठीक है। वोटिंग होती है वहां पे, तो वोट होते मतलब इलेक्शन होते नहीं है, ठीक है, डेमोक्रेसी तो है नहीं वहां पे, तो एक ही पार्टी का रूल है वहां पे, कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है, ठीक है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वहां पे वोटिंग होती है, ठीक है। 2012 में इनको जनरल सेक्रेटरी, जो कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है पार्टी की, वो बना दिया गया, और अल्टीमेटली इनको चेयरमैन बना दिया गया सीपीसी, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का। और अगले ही साल 2013 में वोटिंग करवाई जाती है कि चाइना का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, और शी जिनपिंग को चुना जाता है। लगभग लगभग 3,000 वोट इनको मिलते हैं और इनको चुना गया। 2013 में ये हो गए चीन के राष्ट्रपति, हु जिनताओ गए और शी जिनपिंग आ गए। हु जिनताओ का अगर टेन्योर देखें तो 10 साल जो उन्होंने राज किया, ठीक है, ठीक ठाक था, ठीक है। उसमें अमेरिका से काफी उन्होंने डील भी, बहुत इंपॉर्टेंट डील की, WTO में चाइना को एंट्री मिल गई। भैया वहीं से ही अमेरिका ही एक तरीके से चाइना को WTO में लेके आया, मतलब अमेरिका नहीं, चाइना को पूरी दुनिया से बिजनेस करने की एक तरीके से अनुमति दी, और अब अमेरिका के ही सर पे बैठ गया वो, ठीक है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं दोस्तों, ट्रेड वॉर पे तो हम इतना नहीं जाएंगे, ट्रेड वॉर की मैंने एक पूरा कोर्स बनाया है दोस्तों, जब StudyIQ का ऐप लॉन्च होगा तो वो कोर्स आपको वहां पे मिलेगा, तो उसमें मैंने एक एक चीज समझाई है स्टेप बाय स्टेप कि क्या हुआ 1949 के बाद चाइना और अमेरिका के रिलेशन कैसे थे और एक कैसे ट्रेड वॉर एस्केलेट हुआ, ठीक है। तो ट्रेड वॉर की यहां से शुरुआत होगी 2013 से। हालांकि आपको बता दूं कि 2013 आते आते चाइना और अमेरिका के रिलेशन बहुत खराब हो चुके थे। हर साल ये लोग मिलते थे, ठीक है, डेलीगेट्स जो थे इनके मिलते थे, मिनिस्टर्स मिलते थे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो सरप्लस में था और अमेरिका का डेफिसिट था। चाइना अमेरिका जो है वो एक तरीके से कर्ज में था, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट्स भर भर के एक्सपोर्ट किए जाते थे पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग अमेरिका। तो इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया था कि बराक ओबामा के सर में अब होने लगा दर्द। तो बराक ओबामा ने सोचा कि अब शी जिनपिंग आए हैं, तो शी जिनपिंग और बराक ओबामा की, जैसे ही शी जिनपिंग 2013 में आते हैं, तुरंत 2 महीने बाद बराक ओबामा ने शी जिनपिंग से मुलाकात की, ठीक है ना। शी जिनपिंग गए अमेरिका, वहां पे मिले, हालांकि एक तरीके से इनफॉर्मल समिट, इसको शर्ट एंड टाई समिट बोला गया, इसमें ज्यादा कुछ तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन एक तरीके से ये मुलाकात थी कि बराक ओबामा भी मिल रहे हैं और शी जिनपिंग भी मिल रहे हैं मिलने। अभी तो 3 साल तक बराक ओबामा को रहना था, 2016 में डोनाल्ड ट्रंप आए, तो बहुत जरूरी था, और हर साल हम मिलेंगे ये वादा करके गए बराक ओबामा, ठीक है। तो हालांकि ये जो समिट थी, मतलब इस तरीके से ये 2010 के बाद से रेगुलर हर साल होती थी, अमेरिका और चाइना मिलते थे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि चाइना ऊपर जाता जा रहा था बिजनेस के मामले में और अमेरिका नीचे जाता जा रहा था। हालांकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन उसका चाइना से भयंकर डेफिसिट है, ठीक है। अब इसके देखिए, चाइना की एक तो जो करेंसी है वो अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है, एक करेंसी मॉनिपुलेटर है। फिर चाइना भर भर के अमेरिका से सिक्योरिटीज खरीदता है, ठीक है। अब चाइना के पास अमेरिका की इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है कि अगर एक साथ वो बेच दे तो अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो ये चाइना की बाकायदा स्ट्रेटजी है, ठीक है। उसके बाद चाइना, क्योंकि चाइना एक बहुत ही जबरदस्त मार्केट है दोस्तों, भैया डेन ज़ियाओपिंग ने क्या किया, डेन ज़ियाओपिंग ने सारे साइंटिस्टों को बुलाया चाइना में, ठीक है। क्या बोला डेन ज़ियाओपिंग ने, ये बोला कि तुम जाओ बाहर पढ़ के आओ, चाइनीज साइंटिस्ट से, या जो चाइनीज साइंटिस्ट तो नहीं बोलना चाहिए, जो चाइनीज यूथ था उनसे बोला कि तुम अमेरिका जाओ, वहां पे पढ़ के आओ, टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ो, लेकिन आना तुमको चाइना ही है।
अमेरिका में बैठ के तुम अमेरिका की इकोनॉमी को नहीं डेवलप करोगे, तो ये किया चाइना ने। और अमेरिका ये आरोप लगाता रहा है, आपको पता है अमेरिका चाइना को हमेशा से बोलता है और आज भी बोलता है कि चाइना ने हमारा सब कुछ चुरा लिया है, इसने हमारी टेक्नोलॉजी चुरा ली है, इसने हमारी कैसे बिजनेस करते हैं वो चुरा लिया है, इसने हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी चुरा ली। और ये सच है, चाइना ने सब कुछ चुरा लिया है, क्योंकि चाइना क्या करता है, वो अपने स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ने के लिए भेजता है, लेकिन इसके स्टूडेंट्स वहां रहते नहीं है, पढ़ के वो वापस चाइना में आते हैं और चाइना को डेवलप करते हैं। हमें अगर भारत में ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो, ठीक है, अगर सुंदर पिचाई भारत में आके भारत का गूगल डेवलप करें तो कितनी बड़ी बात हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी है। अच्छी बात है वैसे, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। देख लीजिए हांगकांग में कितने ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं चाइना को लेके, ठीक है ना, और प्रोटेस्ट होने ही है। डिक्टेटरशिप में हमेशा ये प्रॉब्लम होती है, ये लोग हमेशा डरते हैं कि कहीं लोग ना खड़े हो जाए, ठीक है। तो ये सब कुछ है, ट्रेड वॉर की सीरीज मैंने पूरी कंप्लीट किया, आप जरूर देखिएगा। तो यहां पे दोस्तों हम ये देखते हैं कि 2013 में जैसे ही लीडरशिप शी जिनपिंग के पास आई, तुरंत इन्होंने एक डेवलपमेंट एजेंडा दिया, ठीक है। वैसे तो आपको बता दूं कि चाइनीज ड्रीम का स्लोगन दिया था भैया यहां पे कि चाइना को हम वापस बनाएंगे और बहुत बड़ी ताकत बना देंगे, चाइना में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, सोशलिज्म आएगा और लोग जो हैं वो बहुत ही खुश रहेंगे, चाइना मिलिट्री में सुपर पावर बनेगा। तो इस तरीके से शी जिनपिंग ने पूरा कैंपेन किया था बाकायदा, ठीक है। जब भी पब्लिक अपीयरेंस करते तो हमेशा चाइनीज ड्रीम का स्लोगन देते थे ये, ठीक है। और करप्शन कैंपेन, ये एंटी करप्शन कैंपेन जो है ये शी जिनपिंग ने चलाई थी। और जब 2013 में इनको लीडरशिप मिली तो करप्शन पे बहुत ही तगड़े से टेक डाउन किया, ठीक है, बकायदा 8 पॉइंट गाइड बनाई थी, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि किस तरीके से हम करप्शन को रोकेंगे। आपको बता दूं कि उस समय बोला था टाइगर एंड फ्लाइज, टाइगर कौन, ये पॉलिटिशियंस, और फ्लाइज कौन, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इन्हीं दोनों की वजह से करप्शन होता है और इन्हीं दोनों को हम कंट्रोल में करेंगे। तो टाइगर एंड फ्लाइज, टू रूट आउट टाइगर एंड फ्लाइज, इनको खत्म कर देंगे। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा आपको सुनने में लग रहा है कि बढ़िया है ना, करप्शन के लिए शी जिनपिंग ने मोर्चा खोल रखा है, लेकिन एक्चुअली में पता है शी जिनपिंग ने क्या किया, ये हथकंडा था, जो भी शी जिनपिंग के खिलाफ बोला जेल में डाल दिया, परजेज होने लगी, मारा जाने लगा। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने बोला कि ये तो माओ ज़ेडोंग के रास्ते पे चले गए हैं, बल्कि उनसे भी आगे बढ़ गए हैं, ये करप्शन के नाम पे बड़े बड़े लीडर्स को जेल में डाल रहे हैं, ये काहे का करप्शन कैंपेन। हालांकि बहुत सारे लोग जो करप्ट थे उनको भी जेल में डाला, 2 लाख जो कि लो रैंकिंग ऑफिशियल्स थे उनको वार्निंग फाइंस और डिमोशंस दिए गए, ठीक है, और काफी डर का माहौल बन गया था, करप्शन रुका लेकिन साथ ही साथ परजेस भी हुई, लोगों को जेल में भी डाला। तो बहुत सारे लोगों ने ये इसके खिलाफ आवाज भी उठाई कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक्चुअली दोस्तों ये कंसोलिडेशन ऑफ पावर था। फिर शी जिनपिंग ने जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाली, सेंसरशिप सबसे इंपॉर्टेंट, सेंसरशिप, और इस दौरान जो चाइना में सेंसरशिप चल रही है दोस्तों वो सबसे खतरनाक है। चाइना ने पूरी तरीके से इंटरनेट पे सेंसरशिप लगा दी, इंटरनेट पे मतलब कि फेसबुक यहां पे नहीं चलेगा, यूट्यूब यहां पे नहीं चलेगा, अमेजोन यहां पे नहीं चलेगा। चाइना का अपना टेंसेंट है, बाइडू है, वी चैट है, वो चाइना का अपना है, ठीक है ना, अलीबाबा है, चाइना ने अपना यूट्यूब अपना फेसबुक बना के रखा हुआ है, बाहर का वहां पे कुछ नहीं चलता। और ये जो सेंसरशिप थी बहुत ही खतरनाक लेवल पे थी दोस्तों, ठीक है। आप टेक्स्ट मैसेज, आप कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते जो पार्टी के खिलाफ हो, करके तो देखिए पूरी फैमिली रातों रात गायब कर देंगे, आप कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं भेज सकते जो गलत हो, आप कोई लिटरेचर नहीं पढ़ सकते, ठीक है, जो गलत हो, जो पार्टी के खिलाफ जाए, जो चाइना के खिलाफ जाए, जिसमें चाइना की बुराई लिखी हो। ढेर सारे ब्लॉगर्स को चाइनीज ऑफिशियल्स ने बुलाया और उनको समझाया कि बेटा देख लो, बहुत ही प्यार से समझाया कि अगर हमारे खिलाफ लगा, क्योंकि ये जो ब्लॉगर्स है ना ये बहुत कुछ चाइना के खिलाफ डेमोक्रेसी के लिए लिख रहे थे, तो समझाया कि बेटा अगर परेशान मत हो, लिखते रहो ब्लॉग्स, हमारे खिलाफ अगर लिखा ना तो कहां गायब हो जाओगे, तुमको पता नहीं चलेगा। हालांकि एक चीज बहुत अच्छी की शी जिनपिंग ने, चाइना की एक पॉलिसी रही है 1957 से और 2013 में उसको एबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है, इसको बोला जाता है लाओ जियाओ पॉलिसी, ठीक है, यानी कि एजुकेशन थ्रू लेबर। किसी ने क्राइम किया, छोटा सा भी क्राइम किया, ठीक है, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है, उसको रिफॉर्म किया जाता है, उसको बाकायदा लेसन्स दिए जाते हैं और मेहनत भी करवाई जाती है, बेसिकली उसको टॉर्चर किया जाता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ये 2013 में एबॉलिश कर दी थी शी जिनपिंग ने। और अगर हम सेंसरशिप की बात करें दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया
क्या वहां का लिटरेचर नहीं पढ़ सकते, ठीक है, आप ऐसी फिल्में नहीं दे सकते जो चाइना के खिलाफ हो, ठीक है, थिएटर में भी आप नहीं, ऐसा कुछ भी आप बोल, कुछ भी बोल नहीं सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल बैन, ठीक है। तो ये सब कुछ किया शी जिनपिंग ने। टियानमेन स्क्वायर से सारे डेटा गायब है, विकिपीडिया रिस्ट्रिक्टेड है वहां पे, ठीक है ना, विकिपीडिया जो कि बहुत बड़ा सोर्स ऑफ नॉलेज होता है वो पूरा वहां पे रिस्ट्रिक्टेड है, आप नहीं देख सकते, क्योंकि लोग जब टियानमेन स्क्वायर के बारे में सर्च करेंगे तो पता नहीं चल जाएगा 1989 में क्या हुआ था, पूरा मेरा सेपरेट लेक्चर है, देख लीजिएगा, टियानमेन स्क्वायर पे लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं, पता चल जाएगा ना चाइनीज लोगों को कि क्या हुआ था, कैसे डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट हुए थे। तो चाइना में, चाइना के लोगों को इतिहास नहीं पता है, बाहर जब जाते हैं और बाहर भी उनको बहुत ही समझा पढ़ा के भेजा जाता है, फैमिली यहाँ है बेटा, अगर तुम कुछ भी उल्टा सीधा तुमने बाहर किया तो समझ लेना तुम, तो बहुत कुछ चाइना में चलता है दोस्तों जो हमको दिखता नहीं, इसीलिए तो लोग वहां पे बहुत ज्यादा परेशान है। अब एक 2017 में दोस्तों विनी द पू का जो कैरेक्टर था, बहुत सारी चाइनीज मीम्स बनी थी वहां पे, ठीक है, मतलब इंटरनेट जो है वो मीम्स से भर गया था, ठीक है। क्या मीम्स थी कि शी जिनपिंग को विनी द पू से कंपेयर कर दिया गया था, अरे बाप रे, उनके प्रेसिडेंट को तुम ऐसा करोगे, तो जहां जहां ये मीम्स आ रही थी सारी सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये चीज है, पूरी की पूरी ताकत 2013 के बाद से पूरी की पूरी ताकत जो है शी जिनपिंग ने अपने हाथ में कर लिया है, पावर को कंसोलिडेट कर लिया है, ठीक है ना, एक तरीके से, ठीक है। हालांकि ये मार्केट पॉलिसी के लिए मैं बात करते हैं, शी जिनपिंग ने दो तरीके से चाइना को बैलेंस करके रखा हुआ है, एक तो इकोनॉमिक मोर्चे पे उन्होंने काफी सफलता हासिल की है, ये बिल्कुल सही बात है। अभी तक क्या था, हु जिनताओ तक कि कुछ भी हो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था, लेकिन यहां पे सरकार के पास ज्यादा ताकत थी, ज्यादातर कंपनी सरकार ओन करती थी, ये रिलैक्स किया, ठीक है ना। जब शी जिनपिंग है उन्होंने बोला कि प्राइवेट कंपनीज को बुलाया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बुलाया कि आप यहां पे आइए, और हर कोई वहां पे इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि अगर पीपीपी के हिसाब से देखे, परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से देखे, तो चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है ना। वैसे तो चाइना दुनिया की दूसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन पीपीपी के टर्म्स में चाइना सबसे बड़ी, तो भैया वहां की करेंसी की चाइना में कीमत बहुत पावरफुल करेंसी है, तो कोई चीज अगर बाहर 50 रुपए में मिल रही है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और वही उसी देश में 10 गुना कम दामों में मिल रही है, तो लोग वही इन्वेस्ट करेंगे। तो इसीलिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो चाइना में जाती हैं, चाइना में गजब फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, और अमेरिका का तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, तभी देख लीजिए भारत के मार्केट भी चाइनीज प्रोडक्ट से भरे हुए हैं, बाढ़ आई पड़ी है। तो ये शी जिनपिंग ने 2013 के बाद से बहुत ही एग्रेसिवली, साथ ही साथ जो इनका मिलिट्री एक्सपेंशन था, अपने आप को इन्होंने कमांडर इन चीफ बता दिया, मैं चाइना जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की आर्मी है, ठीक है, मैं उसका कमांडर हूं, और उसके बाद एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इन्होंने अपनाई है, और बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी है ये, जहां जहां चाइना आए वो हमारा है। शी जिनपिंग ने देशों को डेट ट्रैप में फंसाना शुरू कर दिया, चाइनीज गवर्नमेंट के पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के सरप्लस है, वो देशों को क्या करता है, उधारी देता है, ठीक है, ले लो। अब उन देशों को उधार भी चुकाना है, वो उधार चुका नहीं पाते, अब जब आप उधार नहीं चुका पाएंगे तो क्या होगा, चाइना उस देश पे ही कब्जा कर लेता है, इनडायरेक्टली कब्जा होता है, ठीक है ना। श्रीलंका में हमने यही देखा, पाकिस्तान भी डेट ट्रैप में फंस गया, इसी को कहते हैं डेट ट्रैप, ठीक है, तुमको कर्ज के जाल में फंसा लेंगे हम, पाकिस्तान तो पूरा चाइना की कॉलोनी ना हो जाए कहीं एक दिन, वो पूरा डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। और चाइना ने अफ्रीका में बहुत सारे देशों में यही इन्वेस्टमेंट कर रखे, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हाल है। तो चाइना का जो स्टैंड है साउथ चाइना सी में, साउथ एशियन कंट्रीज में पूरा दबा के रखा है चाइना ने, ये तो भारत, क्योंकि भारत उतनी ही, हालांकि अभी चाइना जितनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, चाइना की जो इकॉनमी है वो भारत से 5 गुना ज्यादा बड़ी है, लेकिन फिर भी भारत एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, बहुत बड़ा देश है, तो भारत चाइना से एकदम आंख में आंख मिला के खड़ा रहता है सामने, ठीक है। लेकिन बाकी जो छोटे छोटे देश है चाइना ने पूरा दबा के रखा हुआ है। साउथ चाइना सी में आप देख लीजिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, उधर ताइवान की प्रॉब्लम चल रही है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ज्यादातर तो मैंने आपको बता ही दी है कि इनकी पॉलिसी क्या है, ठीक है। तो 2018 आते आते 2018 में एक लॉ भी पास हुआ, शी जिनपिंग को आजीवन काल के लिए राष्ट्रपति बना दिया, यही व्लादिमीर पुतिन के साथ हुआ कि जब तक चाहें तब तक ये राष्ट्रपति रहेंगे। तो अब पता नहीं शी जिनपिंग कब रिटायर होंगे, अभी तक तो लिमिट थी लेकिन अब नहीं है। अब हु जिनताओ दो टर्म के लिए चले गए, दो टर्म कंप्लीट करके चले गए, शी जिनपिंग कब जाएंगे कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो पूरा जो पावर का कंसोलिडेशन है वो अपने हाथों में ले लिया है। अब लोग आवाज उठाते हैं लेकिन शी जिनपिंग के पास इतनी ज्यादा ताकत है कि
कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी आवाज उठाओ, ठीक है। मिलिट्री एक्सपेंशन मैंने आपको बता दिया है, और 2018 में ही जैसा कि मैंने बताया ये इनडेफिनेट प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है ना। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट वैन किशान और ली की कियान जो है वो प्रीमियर है, मतलब प्राइम मिनिस्टर आप बोल सकते हैं, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो भैया कोरिया से, कोरिया का जो इशू है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, वैसे तो ज्यादातर कंट्रीज बहुत ही टेंशन में रहते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के रिलेशन चाइना से अच्छे हुए, अब चाइना नॉर्थ कोरिया को अगर कोई समझा सकता है तो चाइना ही समझा सकता है, ऐसे ही बोला जाता है ना, ठीक है। किम जोंग उनको खाली शी जिनपिंग ही समझा सकते हैं, तो कभी भी अमेरिका को किम जोंग उनसे मिलना होता है या कुछ बातचीत करनी होती है, वैसे बातचीत दोनों में होती नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उनमें, लेकिन चाइना की मदद हमेशा लेनी पड़ती है, ठीक है। साउथ कोरिया से रिलेशन अच्छे करने की कोशिश की लेकिन उसका कोई खास नतीजा निकला नहीं। जापान से बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है चाइना के, क्योंकि चाइना और जापान कट्टर दुश्मन है। रेप्स ऑफ नैनकिंग पे मेरा पूरा लेक्चर और मेजी रेस्टोरेशन पे मेरा लेक्चर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा चाइना और जापान की जो दुश्मनी है वो बचपन से चली आ रही है, कट्टर दुश्मन है, ठीक है ना। तो चाइना और जापान के रिश्ते कभी नहीं सुधर सकते, ठीक है। तभी तो बोला जा रहा था ना कि जापान, भारत और अमेरिका ये एक नया वर्ल्ड बन जाएगा और उसके बाद देखिए कौन हरा सकता है, तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों अमेरिका और चाइना के रिलेशन तो बहुत ही खराब, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो अमेरिका और चाइना में तो ट्रेड वॉर ही शुरू हो गई है, ठीक है। 2017 में देखिए ट्रेड वॉर क्या होती है, ट्रेड वॉर ये होती है ना कि जैसे दो कंट्रीज हैं, अब एक कंट्री बहुत ज्यादा कर्जे में है तो उसने क्या बोला, कर्जे में क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि जैसे ये अमेरिका है, मैं आपको सब कुछ समझा देता हूं बहुत ही आसान शब्दों में, ये चाइना है, चाइना भर भर के अमेरिका में प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ठीक है, और अमेरिका नहीं बेच पा रहा है इतने, तो भैया ये एक्सपोर्ट इसके ज्यादा है, अमेरिका के इंपोर्ट कम है, तो अमेरिका के पास तो ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा ना, क्योंकि जितना चाइना अमेरिका को बेच रहा है उतना अमेरिका थोड़ी ना बेच पा रहा है, ठीक है। तो भैया ये ट्रेड डेफिसिट अगर हम सिंपल भाषाओं में बात करें, वैसे टेक्निकल टर्म्स हम करेंसी और सिक्योरिटीज में तो जा ही नहीं रहे अभी, तो यहां पे बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। अब इसको कम करने के लिए क्या है, अमेरिका बोलेगा अच्छा बेटा ये बात है, बहुत प्रोडक्ट बेच रहे हो, बहुत खुश हो रहे हो, ठीक है, अब बेच के दिखाओ, तुम्हारे प्रोडक्ट पे हम 35% टैरिफ लगाएंगे। WTO की भी नॉर्म्स होती है दोस्तों, एक लिमिट से ज्यादा आप टैरिफ नहीं लगा सकते, ये WTO का साफ कहना है, ठीक है, वरना भैया वहां पे डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है ना, वहां पे पूरा डिस्प्यूट मैकेनिज्म है कि अगर दो देशों में डिस्प्यूट होती है तो WTO में सॉल्व होता है वो, ठीक है, तो वहां पे फिर कोर्ट में मामला फंस जाता है। तो एक लिमिट से ज्यादा टैरिफ नहीं लगा सकते, तो सबसे हाईएस्ट लिमिट जो थी 35% अमेरिका ने चाइनीज प्रोडक्ट्स पे लगा दी। अब यहां से ट्रेड वॉर की शुरुआत हो गई, जितने भी चाइना से अमेरिका, जितने भी चाइना के प्रोडक्ट अमेरिका में आ रहे हैं ढेर सारा टैक्स लगा दिया, ठीक है, ताकि अमेरिका अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, इसको कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। चाइना का भी मूड खराब हो गया, चाइना ने भी अमेरिका के प्रोडक्ट पे टैक्स लगा दिया, बहुत कुछ हुआ दोस्तों। 2014 में ही दोस्तों चाइना के ऊपर यह भी आरोप लगा कि चाइना के जासूस गिरफ्तार किए गए जो साइबर अटैक कर रहे थे अमेरिका की कंपनीज पे, बहुत सारे जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं अमेरिका के, ठीक है, वहां पे साइबर अटैक हुए और ये चाइनीज हैकर्स ने किए, तो अमेरिका का मूड खराब हो गया, उनको गिरफ्तार किया गया, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो ये भी अमेरिका ने आरोप लगाया कि गली गली में शोर है शी जिनपिंग भैया तो चोर है, ये हमारी सारी टेक्नोलॉजीज चुरा रहे हैं। तो ये सब बहुत कुछ हुआ दोस्तों, तो ये सबको अगर हम मिला दें तो चाइना और अमेरिका के रिलेशन बहुत ही खराब हो गए और इस समय ट्रेड वॉर जारी है, कहां रुकेगा किसी को नहीं पता। रशिया से रिलेशन अच्छे शी जिनपिंग, रशिया कम्युनिस्ट देश, रशिया और चाइना सेम ही तो है, व्लादिमीर पुतिन भी कब रिटायर होंगे वो भी इनडेफिनेट टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन गए, शी जिनपिंग का भी वही हाल है, तो भैया चोर चोर मोसेरे भाई, सीधी बात है। तो शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन दोनों में घनिष्ठ दोस्ती है, जय वीरू की तरह चाइना रशिया बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन अच्छी बात है कि रशिया भारत का भी दोस्त है, तो ये चीज है, ठीक है, ये चीज है। तो अब देखते हैं दोस्तों, अभी 2019 आया हुआ है और 2019 में अगर अभी बात करें तो चाइना बहुत ही एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब उसके सुर जो थोड़े नरम पड़े हैं क्योंकि अमेरिका ने बैंड बजा के रखी हुई है चाइना की। अब आगे आने वाले समय में 2020 से लेकर 2030 जो अगला दशक आने वाला है, ये लाइफ, ये इंसानों के लिए एक ऐतिहासिक दशक होने वाला है। यहां पे ये पता चल जाएगा कि हमको किस तरीके से जीना है, जीना भी है कि खत्म करना है अपने आप को। तो देखेंगे अब शी जिनपिंग जो है आने वाले दशक में, आने वाले समय में क्या करते हैं। फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।